हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन एंड एंड क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको स्पॉयलर्स ना मिले। सो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वोंग बैठक बुलाता है, जिसमें शांग-ची, केटी, कैप्टन मार्वल एंड ब्रूस बैनर होते हैं, जहां वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जब शांग-ची ने 10 रिंग्स को यूज किया तो उसकी भनक कमरताज में मौजूद सॉर्सरर्स तक को हुई, प्लस 10 रिंग्स एक मैसेज भेज रहा है, लेकिन वो किसको भेज रहा है ये नहीं पता चल रहा है। 10 रिंग्स के बारे में ना ही ब्रूस को कोई आइडिया था और ना ही स्पेस टेक स्पेशलिस्ट कैरल डैनवर्स को। ऊपर से कमरताज में भी किसी भी मिस्टिकल बुक में इसका जिक्र नहीं है, जो कि थोड़ा सोचने वाला बात है, क्योंकि ये रिंग्स मिस्टिकल लगते हैं एंड मैजिकल बुक्स में इसका कोई जिक्र ही नहीं मिल रहा है, जबकि उनमें ऐसे ऐसे थ्रेट के बारे में बताया गया है जहाँ नॉर्मल सॉर्सरर टिक भी नहीं पाए। वेल, कैरोल की बात करें तो भले ही क्री एंड स्क्रल के इंटेल जहां पर इसने चेक किया और वहां पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ये कोई एलियन या एडवांस टेक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कैप्टन मार्वल को इसका नॉलेज नहीं है और जहां वो चेक कर रही है वहां पे भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड रही बात बैनर की, तो टोनी के जाने के बाद इसको आप अर्थ का स्मार्टेस्ट बंदों में से एक गिन सकते हैं, और ये भी यहाँ पर अर्थ में मौजूद सबसे एडवांस टेक के साथ ही इसको कंपेयर करता है और उसको रेफर करते हुए कहता है कि ये मुझे वाइब्रेनियम तो नहीं लगता। सो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहला ये कि ये रिंग्स किसी दूसरे डायमेंशंस में बनाए गए हो, जैसे कि टालो हो गया या फिर कुनलुन हो गया, जहाँ पे ड्रैगन्स एंड मिस्टिकल स्टफ्स कॉमन हो। एज टालो को बचाने के लिए अचानक से तो ग्रेट प्रोटेक्टर को पैदा नहीं किया गया होगा, वो भी किसी डायमेंशन से बिलोंग करता ही होगा। ड्वेलर इन डार्कनेस तो कॉमिक्स में फियर लॉर्ड था, बट मे बी एमसी में वो शायद तक ऐसे डायमेंशन से बिलोंग करता है जहां पर ड्रैगन्स कॉमन हो, एंड क्योंकि द ग्रेट प्रोटेक्टर के स्केल से बने तीर तक ड्वेलर इन डार्कनेस को चोट पहुंचा रहे थे, तो हो सकता है कि वो दोनों रिलेटेड हो। मे बी ड्वेलर इन डार्कनेस के डायमेंशन में ही वो रिंग्स बनाए गए हो, तभी तो वो वेन वो को टेलीपैथिकली उसकी बीवी की आवाज निकाल कर बहका पा रहा था। उसने उसको इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो पावरफुल इनफ था उस गेट को तोड़ के उसको वहां से आजाद करने के लिए, बल्कि उसने उसको इसलिए चुना क्योंकि वो रिंग्स पहना हुआ था और वो सिर्फ उसी को मैनिपुलेट कर सकता था। अगर उसे पावरफुल कैरेक्टर्स को ही टारगेट करना होता तो वो थॉर या वांडा के पीछे जाता, और वांडा तो एक परफेक्ट टारगेट होती क्योंकि उसने अपने बच्चों को खोया हुआ है। तो यहाँ पर वो उसके बच्चों के आवाज में अगर कह देता कि हम इस गेट के पीछे हैं, तो वांडा उसको आके कपका तोड़ के चल जाती और यहाँ पे कोई कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि वांडा किस लेवल पे है आपको तो ये बात मालूम ही है। तो ड्वेलर इन डार्कनेस एंड रिंग्स के बीच जब कनेक्शन बन रहा है, वो फियर लॉर्ड्स की ओर इशारा कर रहा है, एंड ऐसे में एक ही डायमेंशन का नाम सामने आता है, जो कि है एवरिनिय डायमेंशन। इसीलिए इसके बारे में कैप्टन मार्वल और ब्रूस को कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरे डायमेंशन की ही बात हो रही है। एंड रही बात कमरताज में इसका कोई जिक्र नहीं मिला या फिर कहीं पर भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इसका जिक्र था, और वो था लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैग्रियस्त्रो में, जिसके बारे में हम लोगों को व्हाट इफ के एक एपिसोड में पता चला था। बट क्योंकि वो लाइब्रेरी लॉस्ट है तो वहां से तो इन्फॉर्मेशन मिलने से रही। दूसरा कारण कि क्यों इन लोगों के पास 10 रिंग्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि कमरताज में टाइम स्टोन एंड इन्फिनिटी स्टोन्स तक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि लिटरली इस यूनिवर्स के जन्म से एग्जिस्टेंस में है। प्लस कैरोल के पास स्क्रल एंड क्री जैसे पुराने एंड एडवांस स्पीसीज के सारे इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, बट उसको भी वहां पे कुछ भी नहीं मिला। तो इससे तो ऐसा ही लगता है मानो ये 10 रिंग्स असल में पास्ट से नहीं बल्कि फ्यूचर से बिलोंग करते हैं, एंड जब भी फ्यूचर की बात हो तो फ्यूचर से एक ही विलन अपनी छाप धीरे धीरे हर जगह छोड़ के जा रहा है, जिसको आप लोग ही हु रिमेंस, कैंग द कॉन्करर वगैरह वगैरह नाम से जानते ही होंगे। एंड इसका हिंट थोड़ा सा हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था, जहां पर ऐसा कहा गया था कि ये रिंग्स उसको किसी स्पेस से आए किसी चीज या किसी टोम से उसने चुराया था। अब स्पेस वाला तो कॉमिक का रेफरेंस था, जिसमें 10 रिंग्स माकलुआन प्रजाति को बिलोंग करते थे, एंड वो लोग अर्थ में जाके क्रैश लैंड किए थे, जहां से मैंडरिन उनसे ये ले लेता है। बट जो टॉम्ब वाला था वो एक रेफरेंस बन सकता है कैंग द कॉन्करर के एक वेरिएंट का, जो कि था रामातूत,
जो कि पास्ट में एक राजा के जैसे इजिप्ट में रूल करता है। एंड इसी बात को सपोर्ट करने के लिए आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जब सैंची उन रिंग्स को फुल पोटेंशियल में यूज कर रहा होता है तो वो जो ग्लो कर रहा होता है वो उसी कलरिंग पैटर्न को फॉलो करता है जो कि हमें क्वांटम रियलम में दिखाए गए हैं। इनफैक्ट जब एंटमैन अपने सेकेंड मूवी यानी कि एंटमैन एंड द वॉस्प के अंदर क्वांटम पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए क्वांटम रियलम में जाता है तब वहाँ पे जो कलरिंग हमें दिखाई जाती है वो इससे बहुत हद तक मैच खाता है। ये सॉर्ट ऑफ क्वांटम बैंड्स हो सकते हैं जो कि हमें रिंग्स के फॉर्म में दिखाए जा रहे हैं जो कि क्वांटम रियलम से पावर को चैनलाइज करने का काम करते हैं। दिखाने का तो मार्वल वाले इन रिंग्स के कलरिंग को रेड कलर का भी दिखा सकते थे जो कि ब्लू के ऑपोजिट भी होता, प्लस सैंक्ची के कॉस्ट्यूम प्लस ग्रेट प्रोटेक्टर का जो कलर ग्रेडिंग दिया गया है उससे बहुत हद तक मैच खाता, लेकिन उन्होंने उस कलर को चूज किया जो कि क्वांटम रियलम में ज्यादातर पाया जाता है या फिर जब वो क्वांटम पार्टिकल को कलेक्ट कर रहा था उस वक्त हमें दिखाया गया था। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन हो सकता है, एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि क्वांटम रियलम में कैंग द कॉन्करर मौजूद है जो कि एंटमैन एंड द वॉस्प के थर्ड पार्ट यानी कि क्वांटम मीडिया में दिखने वाला है। और अगर सच में सैंक्ची के रिंग्स फ्यूचर टेक है एंड उसको कैंग द कॉन्करर ने ही बनाया है तो सैंक्ची डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है मार्वल के आने वाले सबसे बड़े विलन कैंग द कॉन्करर के साथ, जिसके वजह से ये आने वाले एवेंजर्स टीम का एक इंटीग्रल हिस्सा बनेगा। मैंने पहले ही बोला था कि सैंक्ची को बस कुंफू के बदौलत तो एवेंजर्स में लेंगे नहीं बल्कि उसको पावर अप दिया जाएगा जो कि ये 10 रिंग्स है, क्योंकि अब मार्वल का लेवल बहुत ऊपर उठ चुका है। यूनिवर्सल लेवल पे तो थानोस थ्रेट लेकर आ चुका है, तो अगला जो एवेंजर्स के लिए बड़ा टीम अप इवेंट होगा उसमें मल्टीवर्स लेवल का थ्रेट होगा जो कि कैंग द कॉन्करर लेकर आने वाला है। रही बात एंड क्रेडिट सीन की, तो मैंने अपने पहले ही ब्रेकडाउन वीडियो में ये कह दिया था कि ज़ाइलिंग यानी कि सैंक्ची की छोटी बहन मैंडरिन के मरने के बाद से 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगी जो कि हमें एंड क्रेडिट में देखने को मिला। तो यहां पर तो ऐसा कुछ रहता नहीं है जो कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि इतने समझदार तो आप हैं ही, लेकिन जब एंड क्रेडिट खत्म हो जाता है तब हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि सैंक्ची विल रिटर्न अगेन, बल्कि ये दिखाया जाता है कि द 10 रिंग्स विल रिटर्न अगेन। तो मोस्ट प्रोबेबली सैंक्ची के नेक्स्ट अपीयरेंस से पहले हमें 10 रिंग्स का अपीयरेंस दिखाया जाएगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली आर्मर वॉर्स के अंदर हो सकता है, जिसकी बेसिक प्लॉट ये है कि स्टार्क टेक को चोरी करने की कोशिश की जाएगी जिसमें वॉर मशीन उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब स्टार्क टेक को चोरी करने के पीछे सबसे आगे तो हैमर टेक रहेगा, लेकिन हो सकता है कि 10 रिंग्स भी इस होड़ में रहे क्योंकि 10 रिंग्स ने आयरन मैन 1 में सबसे पहले आयरन मैन से उसके टेक को लेने की कोशिश की थी टोनी को किडनैप करके, बट वहां पर ये काम उन लोगों ने ओबडाया स्टैन के कहने पर किया था, बट हो सकता है कि इस बार वो लोग ये खुद से ही करे। सो गाइस, अब सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है कि वो एंड में सिग्नल किसको भेज रहा था, जो कि हो सकता है कि दूसरे डायमेंशन में रहने वाले एलियंस या ड्रैगन टाइप एलियंस को, जैसा कि हम लोगों ने कॉमिक्स में देखा हुआ है, या फिर कैंग द कॉन्करर को हो सकता है, जहां कैंग को पता चले कि उसके किसी वेपन को कोई यूज कर रहा है और क्वांटम रियलम से पावर को चैनलाइज कर रहा है। अब अगर ये वेपन्स इतने मिस्टिकल होते तो वो वर्दीनेस वगैरह भी देखते हैं जो कि क्लियरली वो नहीं देखते हैं, वरना वेन वो इनको कभी नहीं पहन पाता और ना ही इनको कभी यूज कर पाता। प्लस डेमोनिक एंटिटी अपनी टेलीपैथिक पावर्स के मदद से उसको मैनिपुलेट कर पा रहे थे, तो ये दर्शाता है कि वो रिंग्स एक बीकन का जैसा काम करते हैं। अब अगर वो दूसरे डायमेंशन से पावर चैनलाइज कर सकते हैं तो इजंट इट ऑब्वियस कि वो दूसरे डायमेंशन से टेलीपैथिक लिंक बनाने में भी मदद कर सकते हैं डेमोनिक बींग को। आई नो ये आपको सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा और लगना भी चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मैजिक ड्रैगन्स और ना जाने किन किन चीजों के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा वियर्ड जो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने अपने इतने बड़े वीडियो के ऊपर ब्रूस को लेकर कुछ भी नहीं कहा कि वो नॉर्मल कैसे हुआ या फिर इसके पीछे की कहानी क्या है, जिसको मैं अपने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, इसीलिए उसको यहाँ से पूरी तरह से ही हटा दिया। वैसे जो भी मैंने बताया वो सब तो थ्योरीज थे जिसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के, जो कि आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएंगे। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया
दबाया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।